तो फ्रेंड्स आज ये बनाते हैं इंस्टेंट मिठाई। अगर आपके घर में कोई गेस्ट अचानक आ जाए या आपका मन करे मीठा खाने का तो आप ये इंस्टेंट मिठाई बना लीजिएगा। फटाफट बन के तैयार हो जाती है और गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, और बहुत कम चीज़ों में हम इस मिठाई को तैयार कर लेंगे इजीली। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज ये नई मिठाई बना के देखते हैं कैसी लगती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपी पसंद आएगी। तो इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने ये काजू, बादाम, गुड़ और मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर लिया है। तो करीब 20 बादाम लिए हैं, 20 ही काजू लिए हैं मैंने, और ये 2 चम्मच मैंने लिया है गुड़, कद्दूकस कर लिया था गुड़ को मैंने, और 2 चम्मच मैंने लिया है कोकोनट पाउडर और 2 ही चम्मच मैंने लिया है मिल्क पाउडर। तो अभी हमें इन सब चीज़ों को पहले हम करेंगे मिक्सी जार में और इन सब को हम ग्राइंड कर लेंगे जिससे कि ये बारीक भी हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए सब। इनको हम पल्स मोड पे पीस लेंगे। पल्स मोड पे पीसने का रीज़न ये होता है कि ऑयल ना छोड़े कोई भी चीज़। और देखिए ये हमने पीस लिया है और इसका बन गया है पाउडर। अब ये पाउडर फॉर्म में आ गया है। तो अभी हमें क्या करना है, अब हम इसको एक बर्तन में पलट लेंगे और हमें इसके बनाने हैं छोटे छोटे बॉल्स। तो बॉल्स बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच दूध भी डाल सकते हो या देसी घी डाल सकते हो आप। और क्या होगा कि जब घी और दूध मिलेगा, घी और गुड़ मिलेगा ना, तो वो मेल्ट होने लगता है थोड़ा सा। इसका कलर चेंज करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर मिलाया है ऑरेंज कलर का, क्योंकि मैं ये फिलिंग है, ये मेरे जो स्वीट डिश बना रही हूँ ये उसकी फिलिंग है, तो मैंने इसका कलर थोड़ा चेंज कर दिया है। और इसको हमने छोटे छोटे इसके बॉल्स बना के रख लिए हैं और ये इजीली बन जाते हैं क्योंकि गुड़ मेल्ट हो जाता है रगड़ने से। और अब चलिए बनाते हैं हम इसका कवर। तो इसका कवर बनाने के लिए हमने लिए हैं ये चने, जो मक्ते भी कहते हैं इन्हें, और ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो मैंने ये 2 कप भर के मक्ते लिए हैं, ये भुने हुए चने होते हैं ये, और 1 कप लिया है मैंने गुड़। तो ये गुड़ को मैंने कद्दूकस कर लिया है, कूट के भी डाल सकते हैं क्योंकि हमें इसको भी ग्राइंड करना है। इसमें हमने लिया है थोड़ा सा इलायची पाउडर और अब इसको हम बारीक पीस लेंगे। और इसको भी मैं पल्स मोड पे ही मैंने पीसा है और इसका भी पाउडर बना लिया है। और चलिए अब इसके हम बनाते हैं लड्डू या पेड़े, जो भी बनाने हैं। और इसको एक बर्तन में पलट लिया मैंने। अब इसको मैं बाइंड करूँगी देसी घी से। तो जैसे हम बेसन के लड्डू बनाते हैं या आटे के लड्डू बनाते हैं तो देसी घी में ही भूनते हैं ना आटा, तो सेम वही तरीका है इसका भी। बस इसको यह है कि चने चूँकि भुने हुए होते हैं तो इसलिए हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी में डायरेक्ट देसी घी मिला लेंगे और इनके इनकी लोइयाँ बना लेंगे, क्योंकि ये बाइंड हो जाएगा घी से, अच्छे से बाइंड हो जाएगा। तो इसको पूरा बाइंड करने में मुझे करीब आधा कटोरी घी लग गया था मेरा, और आधा कटोरी घी में ये अच्छे से बाइंड हो गया था। और जैसे जैसे मसलती गई ना मैं इसको, ये बाइंड होता चला गया क्योंकि गुड़ भी मेल्ट होता गया उसके साथ साथ। और इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि घी जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो पिघला हुआ और गर्म घी होना चाहिए, क्योंकि गर्म घी से गुड़ मेल्ट हो जाएगा। और तब इसकी मैंने देखिए एक लोई ले ली है और इसको अच्छे से हमने दबा दबा के देख लिया है और अच्छे से बन रहा है, बंध रहा है वो। अब उसको मैंने हथेली पे फैलाया, जैसे हम पूरियां बनाते समय आटे को फैलाते हैं, इस तरीके से इसको हमने हथेली पे फैलाया। और इसके बीच में हमने जो हमने छोटी वाली गोलियाँ बना के रखी थी, ये हमने एक गोली इसके अंदर रख दी और इसको बंद करके और अच्छे से इसको एक पेड़े की शेप दे देंगे। और आप चाहें तो इसको गोल शेप भी दे सकते हैं लड्डू वाली। मैं इसको पेड़े की फॉर्म में ही बना रही हूँ तो मैं पेड़े की शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से हम एक उंगली और अंगूठे के बीच में इसको रख के घुमाते रहेंगे ना, तो ये अच्छे से पेड़े की सुंदर सी शेप आ जाएगी बनके। देखिए एक और दिखा देती हूँ मैं बना के अभी आपको। ये देखिए इसको फैला के और बस गोली रखनी है और इसको हमें शेप दे देनी है। तो इस तरीके से मैंने ये सारे बना के रख लिए हैं।
तो अब चलिए इन पर लगा देते हैं हम ड्राई फ्रूट। तो मैं काजू लगा रही हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हो जो आपकी पसंद का हो, काजू या बादाम या पिस्ता, कोई भी ड्राई फ्रूट जो आप पसंद करते हैं वो आप इस पे लगा सकते हैं। या जैसे मैं तो आधा आधा पीस कट करके लगाया है, आप चाहें तो उसको चॉप करके भी लगा सकते हो। और सर्व करने के लिए इसका बेस्ट तरीका यह है कि इसको बीच में से 2 पीसेज में कट करें और सर्व करें। और मैं आपको दिखा रही हूँ कट करके, वाह कितना बढ़िया बना है और कितनी अच्छी फीलिंग लग रही है इसकी देखने में, और खाने में भी बहुत टेस्टी और हेल्दी है क्योंकि भुने हुए चने हैं ये। नुकसान देने वाली तो इनमें कोई चीज़ है ही नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।